हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया इन गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास फोर्थ पार्ट वन सुबह सुबह स्कूल जाने के पहले पंपोश और शाजिया आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि किसका घर स्कूल से सबसे ज्यादा दूर है पंपोश कहता है की आई है लेकिन शाजिया बोलती है की मैं तो दो मिनट में स्कूल पहुँच जाती हूँ पंपोश बोलता है दिस इज इम्पॉसिबल तुम्हारा घर तो ज्यादा दूर है शाजिया बोलती है मैंने तो क्लॉक में चेक किया था जब मैं घर से निकलती हूँ तब सात बजते हैं एंड वेन आई रीच स्कूल मिनट हैंड पे पॉइंट करता है मतलब सात बज के दो मिनट मैं दो मिनट में स्कूल पहुंचती हूँ पंपोश कहता है नहीं यू आर रॉन्ग कैन यू सी दीज थिन लाइन्स बिटवीन द नंबर नंबर के बीच में जो छोटे छोटे लाइन्स होते हैं वो एक एक मिनट को दिखाते हैं पंपोश ने कहा द मिनट हैंड मूव्स अक्रॉस टेन लाइन्स आफ्टर ट्वेल्व

तो इसीलिए पंपोस्ट सबसे पहले स्कूल पहुंचता है और स्कूल से सबसे दूर घर शाजिया का है पॉइंट स्टैंडर्ड यूनिटर के अलावा अदर यूनिट्स टू मेजर टाइम आर आवर एंड मिनिट्स वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट हाफ एन आवर सिक्सटी का आधा होता है दैट इज थर्टी मिनट्स वन क्वार्टर is equal to 15 minutes. One minute is equal to 60 seconds. One day is equal to 24 hours. And the last point, there are three hands in a clock. One is the second hand, जो continuously हमें clock में घूमता हुआ नजर आता है. There is the minute hand, जो एक-एक minute complete होने के बाद एक-एक line move करता है. And there is hour hand, जो घड़ी में सबसे slow घूमता है. और एक घंटा पूरा होने के बाद एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है जब भी हमें समय बताना होता है तब हम फाइव का टेबल रीड करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस क्लॉक में अभी चार बज रहे हैं आवर हैंड अभी फोर पे है मिनट का हैंड अभी ट्वेल्व पे है जब ये मिनट का हैंड वन टू थ्री फोर फाइव लाइन्स को क्रॉस कर लेगा तब ये पांच मिनट पूरा करेगा जब मिनट का हैंड टेन लाइन्स को क्रॉस करता है तब टेन मिनट्स पूरे होते हैं फिफ्टीन लाइन्स क्रॉस करने के बाद फिफ्टीन मिनट्स पूरे होते हैं फाइव फोर जै ट्वेंटी ट्वेंटी टाइनी लाइन्स पूरे करने के बाद 20 ट्वेंटी मिनट्स होते हैं फाइव सिक्स थर्टी थर्टी टाइनी लाइन्स पूरा करने के बाद थर्टी मिनट्स होता है उसी तरह थर्टी फाइव टाइनी लाइन्स पूरा करने के बाद थर्टी फाइव मिनट्स होता है फोर्टी टाइनी लाइन्स पूरा करने के बाद फोर्टी मिनट्स होता है जब मिनट हैंड नाइन पे आता है तब फोर्टी फाइव मिनट्स होता है मिनट हैंड टेन पे जाता है तब फिफ्टी मिनट्स पूरा होता है मिनट हैंड इलेवन पे जाता है तब फिफ्टी फाइव मिनट्स पूरा होता है और जब पूरा घूम के वापस 12 पे आ जाता है, तब 60 minutes one hour complete हो जाता है है तब मिनट्स यानी कि आवर कंप्लीट हो और चार से पांच बज जाते हैं सो वेन एवर वी राइट टाइम हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं आवर एंड राइट साइड में लिखते हैं मिनट्स आवर का हैंड छोटा होता है और मिनट का हैंड लंबा होता है आवर हैंड अभी फोर पे है इसीलिए आवर के कॉलम में फोर और मिनट के कॉलम में टेन सो वॉट इज द टाइम फोर डॉट टेन या फिर टेन पास दूसरा वाला टाइम आवर हैंड फोर के थोड़ा आगे निकल चुका है आवर के कॉलम में लिखेंगे थर्टी मिनट तो टाइम होगा फोर डॉट थर्टी या फिर थर्टी लेट्स सी द क्वेश्चंस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम आवर हैंड इज एट थ्री एंड मिनट हैंड इज एट ट्वेल्व मतलब कि बज रहे हैं थ्री ओ क्लॉक सेकेंड वन आवर हैंड फाइव से थोड़ा आगे निकल गया है और मिनट हैंड पे है मिनट हैंड के का होने का मतलब है थर्टी फाइव इज एट सेवन एंड मिनट हैंड इज एट थ्री सो द दिन डॉट फिफ्टीन नाउ लेट्स शो द द टाइम इन फॉलोइंग द्लॉक थ्री डॉट टेन ओ क्लॉक आवर हैंड इज एट थ्री एंड द मिनट हैंड इज एट टेन उसके नीचे टाइम बनाना है टू डॉट ट्वेंटी ओ क्लॉक आर हैंड इज एट टू फाइव फोर जवेंटी मिनट हैंड फोर पे है नेक्स्ट टाइम सिक्स डॉट फोर्टी आर हैंड सिक्स से थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल गया है और मिनट हैंड फोर्टी पे है मतलब फाइव एट ज फोर्टी उसके नीचे टाइम हमें बनाना है थ्री डॉट फिफ्टीन आर हैंड थ्री पे है और मिनट हैंड भी थ्री पे है बिकॉज फाइव थ्री जिफ्टीन नेक्स्ट टाइम फोर डॉट फोर्टी फाइव आर हैंड फोर पे है मिनट हैंड को 45 मिनट्स पे बनाना है मींस 5 नाइन जो फाइव आर हैंड भी फोर से थोड़ा नीचे आ जाएगा क्योंकि कुछ टाइम बाद ही तो पांच बज जाएंगे एंड द लास्ट क्लॉक वी हैव टू ड्रॉ एट सेवन डॉट थर्टी फाइव ओ क्लॉक आवर हैंड सेवन से थोड़ा आगे है और मिनट हैंड को थर्टी फाइव मिनट पे बनाना है मतलब फाइव सेवन जटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन एट वट टाइम डज राइज एट योर प्लेस एंड वेन डज द सनसेट हेयर यू शुड नो दैट पूरे इंडिया में सनराइज और सनसेट का टाइमिंग अलग अलग होता है सनराइजेस इन द ईस्ट सो इफ यू आर समेस इन वेस्ट बेंगाल आसाम मणिपुर मिजोरम तो फिर वहां पे बहुत जल्दी सनराइज होता है एंड इफ यू आर समेज इन गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान वेस्ट साइड तो फिर वहां पे बहुत लेट सनराइज होता है सो दैट इज वाई यू शुड आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट दीज टाइम्स डज द सन राइज एंड सेट एट द सेम टाइम एवरीडे No, the sun rises and sets at different time every day. Now we will find out how long it takes for the minute hand to move. Let's see the first question. सबसे पहले time find out करना है इस clock में बज रहे हैं थ्री hours थर्टी फाइव minutes. और इस clock में बज रहे हैं अभी तक चार बजे नहीं है थ्री hour फिफ्टी minutes. तो फिर हमारे minute hand को थर्टी फाइव minutes से फिफ्टी minutes बनने में कितना time लगा पहला तरीका ये है कि हम थ्री hours फिफ्टी minutes से थ्री आवर्स थर्टी फाइव मिनट को सब करें और हमारे पास आएगा थ्री आर फोर्टी मिनट और इस क्लॉक में टाइम हो रहा है फोर ओ क्लॉक मतलब कि मिनट हैंड को एट नंबर से ट्वेल्व नंबर जाने तक कितना टाइम लगा यू ऑलरेडी नो दैट इन बिटवीन टू देयर आर फाइव टाइनी लाइन्स और इन फाइव टाइनी लाइन्स का मतलब होता है मिनट्स मतलब कि दो डिजिट के बीच में फाइव मिनट्स का गैप है तो हमारे मिनट हैंड को कितने गैप पूरे करने पड़े एक गैप दो गैप तीन गैप चार गैप यानी कि हम चार बार फाइव मिनट्स को एड कर सकते हैं एंड वी विल गेट आंसर ट्वेंटी मिनट्स यानी कि थ्री फोर्टी से फोर ओ क्लॉक बचने में ट्वेंटी मिनट्स लगते हैं प्लस करने के अलावा हम फोर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फाइव फोर ट्वेंटी तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में वही करते हैं इस क्लॉक में बज रहे हैं सिक्स आवर्स फाइव मिनट्स और इस क्लॉक में बज रहे हैं सिक्स आवर्स फिफ्टीन मिनट्स तो फिर हमारे मिनट हैंड को वन से थ्री तक आने में कितना समय लगा हमारे मिनट हैंड ने कितना गैप क्रॉस किया एक गैप दो गैप मतलब कि फाइव टू आर टेन मिनट आंसर इज टेन मिनट्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्लॉक में बज रहे हैं सेवन आवर्स टेन मिनट्स और इस क्लॉक में बज रहे हैं सेवन आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स ध्यान दीजिए यहाँ पे आठ बजे नहीं है थोड़ी देर बाद आठ बजेंगे तो फिर हमारे मिनट हैंड को नंबर टू डिजिट से नाइन डिजिट आने में कितना गैप क्रॉस करना पड़ा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाई सेवन दैट इज थर्टी फाइव मिनट्स सेवन डॉट टेन ओ क्लॉक सेवन डॉट फोर्टी फाइव ओ क्लॉक तक पहुंचने में मिनट हैंड्स को थर्टी फाइव मिनट्स का टाइम लगा नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ The minute hand and the hour hand. Let's see the first question. Twenty minutes after six o'clock. हमारा hour hand रहेगा six o'clock मतलब कि six पे और minute hand twenty minutes मतलब four, five जा twenty यहाँ पे रहेगा दूसरा clock thirty minutes after eight o'clock. Hour hand किस पे रहेगा eight पे और minute hand thirty minutes पे बनाना है मतलब six जा thirty. Next question. टेन मिनट्स आफ्टर सेवन ओ क्लॉक मतलब आवर हैंड रहेगा सेवन पे टेन मिनट्स मतलब फाइव टू जा टेन मिनट हैंड रहेगा यहाँ पे फिफ्टीन मिनट्स आफ्टर फाइव ओ क्लॉक बजकर पंद्रह मिनट आर हैंड रहेगा पाँच पे और मिनट हैंड फिफ्टीन मिनट्स पे रहेगा मीन्स फाइव थ्री झा फिफ्टीन थ्री पे मिनट हैंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक्स हमारी स्कूल की असेंबली 15 से 20 मिनट्स की होती है हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक यूजी मिनट्स का लंच ब्रेक होता है हाउ लॉन्ग इज योर गेम्स पीरियड हमारे क्लासेस 45 मिनट्स के होते हैं और सारे पीरियड सेम ही होते हैं इज इट द द सेम एज ऑल अदर पीरियड्स यस नाउ देयर आर सम एक्टिविटीज फॉर यू यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक इन सारे कामों को करने में आपको कितना समय लगता है आई वुड सजेस्ट यू आप ये एक्टिविटी खुद करें तो आपको मजा भी आएगा और अपने खुद के टाइमिंग भी पता चलेंगे बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं मिल्क को बॉइल करने में हमें फाइव मिनट्स हाई फ्लेम पे लग ही जाता है एक बाल्टी भरने के लिए हमें फाइव मिनट्स लग जाते हैं डिपेंड करता है कि नल का पानी कितना तेज आ रहा है कितना स्लो आ रहा है घर को अच्छे से झाड़ू लगाने के लिए हमें टेन मिनट्स लग जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी इज इन वन मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स एक मिनट में आप अपने उंगलियों से कितनी बार चुटकी बजा सकते हैं तो छोटे बच्चे पंद्रह से बीस बार तक बजा लेंगे कितनी बार आप स्किपिंग कर सकते हैं एक मिनट में थर्टी टू थर्टी फाइव टाइम्स कर लेते हैं बच्चे एक मिनट में अप एंड डाउन कितनी बार जंप कर सकते हैं तो बच्चे सेवेंटी से एट्टी टाइम्स तक कर लेते हैं और लास्ट वाला अपने मर्जी का एक्टिविटी लिखना है मैंने लिखा है ब्लिंकिंग ऑफ आईज एक मिनट में हम एट्टी से नाइनटी टाइम्स अपनी पल झपका सकते हैं कुछ और एक्टिविटीज हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप सभी बच्चों का अलग अलग टैलेंट होता है कुछ बच्चे सिर्फ थर्टी सेकेंड्स ही नॉन स्टॉप बोल पाएंगे कुछ बच्चे दो मिनट तक नॉन स्टॉप बोल पाएंगे स्टैंड ऑन वन लेग एक पैर पे खड़े होने के लिए भी अलग अलग टाइम लगता है बिना रुके गाना गाते जाना भी अलग अलग टाइम पे होता है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ फिफ्टी मीटर रेस लगभग तीन से चार मिनट ग्राउंड में से पचास पत्थर इकट्ठा करने में भी चार पांच मिनट लग जाते हैं वन से हंड्रेड तक काउंटिंग के लिए भी शायद एक मिनट या उससे कम में हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्लॉक के मिनट हैंड ने टू नंबर से चलना शुरू किया एक मिनट में मिनट हैंड एक लाइन क्रॉस करती है तो पूरा क्लॉक का सर्कल लगाने में ऑब्वियसली वो पूरा एक घंटा लगाएगी दैट इज सिक्सटी मिनट्स और वन आवर वॉट हैपन्स टू दर हैंड डूव हाँ आर हैंड भी घूमती है क्लॉक में सबसे स्लो घूमती है हाउ लॉन्ग टेक टू मूव फ्रॉम टू दंबर आर हैंड को एक नंबर से दूसरे नंबर मूव करने के लिए एक घंटा लग जाता है नौ लिस्ट सम एक्टिविटीजाउट वन आर टू कम्प्लीट कुछ एक्टिविटीज जो एक घंटे में पूरा होती है वो है ड्रॉइंग अ पिक्चर गोइंग टू मार्केट एंड कमिंग बैक कम्पलीटिंग होमवर्क

रेस हाई जंप, लॉन्ग जंप, रिले रेस ये सब गेम्स हो सकते हैं हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच एक फुटबॉल मैच खेलने का भी एक फिक्स टाइम होता है जो है 90 मिनट्स और पंद्रह मिनट का ब्रेक आगे हम पढ़ेंगे रानी की डायरी और बनाना सीखेंगे टाइम लाइन रानी के घर में एक छोटी बेबी सिस्टर आई है और उसके सारे फ्रेंड्स उसे देखने जाते हैं उसका नाम मुनिया है रानी अपनी बेबी सिस्टर मुनिया के लिए बहुत सारी भी लाई है लेकिन मम्मी कहती है शी कांट ईट शी इज टू स्मॉल एंड शी इवन टॉक मम्मी कहती है ये सब मुनिया धीरे धीरे सीख जाएगी जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी तो फिर रानी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी डायरी में लिखती जाऊं कि रानी ने कौन से महीने में क्या क्या सीखा अभी हमें इन सब घटनाओं को मुनिया के टाइमलाइन पर लिखना है मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मोनिया टाइम लाइन सो हाउ डू वी राइट टाइम लाइन हमें एक लंबी लाइन डालनी होती है ऊपर से नीचे तक एरोना होता है ऊपर हमें लिखना होता है डेट और उस डेट में कौन सी घटना घटी वो लिखना होता है नीचे सो मुनिया वॉज बॉर्ड ऑन फिफ्थ ऑफ मार्च आफ्टर दैट फिफ्थ सेप्टेम्बर शी एट अनाना आफ्टर दैट फिफ्टींथ सेप्टेम्बर शी गॉट हर फर्स्ट टूथ टेंथ ऑफ नवेंबर शी सेटअप ट्वेंटी एथ नवम्बर शी स्टार्ट टू क्रॉल नेक्स्ट ईयर फिफ्थ ऑफ जनवरी शी अप एंड देन सेकेंड फेब्रुवरी शी स्टार्टेड टू वॉक ये है मुनिया का टाइमलाइन अभी इसी टाइमलाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेंबर हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वॉज शी देन एंड हाउ मेनी मंथ्स हैव मंथ हैप्टेम्बर मार्च और सेप्टेम्बर के बीच में कितना महीना गुजर गया हमें वो फाइंड आउट करना है सो राइट द स्टेटमेंट मुनिया वॉज बॉर्न इन मार्च munia got her first tooth in september so we have to find how many months are there between march to september march to april one month april to may one month may to june one month june to july one month july to august one month august to september one month so in total there are six months munia was six months old when she got her first tooth मंथ्स काउंट करने का डायरेक्ट तरीका ये है हमें अगर मार्च से सेप्टेम्बर से के बीच में पूछ रहे हैं तो मार्च के बाद में जो मंथ आता है उस मंथ से सेप्टेम्बर से तक हमें काउंट करना होता है मतलब अप्रैल मे जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर हमें इतना काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आंसर सिक्स मंथस नाउ सेकेंड क्वेश्चन हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वेन शी फर्स्ट सेटअप मुनिया सेटअप ऑन टेंथ ऑफ नवम्बर सो लेट्स राइट मुनिया वॉज बोर्न ऑन फिफ्थ ऑफ मार्च मुनिया फर्स्ट सेटअप ऑन 10th नवंबर दिस इज ऑन हमें 5th मार्च से 10th नवंबर तक कितने दिन होते हैं वो काउंट करना है तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम 5th मार्च से 5th नवंबर तक ही पहले काउंट करते हैं मार्च के बाद वाले मंथ से काउंट करना स्टार्ट करना है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट टोटल एट मंथ्स गुजर चुके हैं अब हमें फिफ्थ नवंबर से टेंथ नवंबर के बीच बाकी कितना डेज बचता है वो काउंट करना है फिफ्थ नवंबर तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो हमें इस डेट से स्टार्ट करना है काउंट करना वन टू थ्री फोर फाइव मतलब पांच और दिन फाइव डेज मोर सो मुनिया वॉज एट मंथ्स एंड फाइव डेज ओल्ड वेन शी फर्स्ट सेटअप नाउ नेक्स्ट हाउ ओल्ड वॉज मुनिया वेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ मुनिया का फर्स्ट टूथ 15th September को आया सो लेट्स राइट मुनिया was born ऑन 5th ऑफ मार्च मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ ऑन 15th September. Easy कैलकुलेशन के लिए हम 5th मार्च से 5th September तक पहले काउंट करते हैं तो मार्च के बाद से काउंट करना स्टार्ट करना है यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स महीने गुजर चुके हैं अभी हमें फिफ्थ सितंबर से फिफ्टींथ सितंबर कितने दिन हुए वो काउंट करना है फिफ्थ सेप्टेम्बर को तो हम ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं हमें सिक्स सेप्टेम्बर से काउंट करना स्टार्ट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मतलब दस दिन और ज्यादा टेन डेज मोर सो दैट इज वाई मुनिया वॉज सिक्स मंथ्स एंड टेन डेज ओल्ड वेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ नाउ द लास्ट क्वेश्चन वॉट डिड शी डू फर्स्ट वॉकिंग या फिर ईटिंग अ बनाना टाइम लाइन में सबसे पहले बनाना के बारे में लिखा है और वॉकिंग एकदम लास्ट में सो आंसर इज ईटिंग अ बनाना नाउ नेक्स्ट वन वॉट डू फर्स्ट क्रॉलिंग या फिर स्टैंडिंग टाइम लाइन में क्रॉलिंग सबसे पहले है और बाद में है और बाद में है स्टैंडिंग सो द आंसर इज क्रॉलिंग सो इट्स ऑलरेडी मिनट्स वी विल स्टॉप हियर ओनली आगे का चैप्टर हम पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे पार्ट टू के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.